हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मास्टर सीबीएसई। पिछले लेक्चर में हमने न्यूट्रिशन टॉपिक को कंप्लीट किया था। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं उस टॉपिक का नाम है रेस्पिरेशन। ठीक है, अब इस रेस्पिरेशन में सबसे पहले हम रेस्पिरेशन के टाइप जान लेते हैं। बराबर, यस। रेस्पिरेशन टाइप है, देखो रेस्पिरेशन कितने टाइप है। बेसिक तीन टाइप, एक्सटर्नल, इंटरनल और सेलुलर। ठीक है, तो हमको जो इस चैप्टर में दिया हुआ है, जो बेसिक जो डेफिनेशन दी है वो इसकी दी हुई है, सेलुलर। बराबर, और ये भी दिया है थोड़ा सा, और ये भी दिया हुआ है थोड़ा सा। इसको उतना डिटेल में भी दिया हुआ है और ये दिया हुआ है। Yes, अब तो बोलोगे सर इन तीनों में फर्क क्या है। तीनों को तो आप रेस्पिरेशन बोल रहे हो, ध्यान दो तीनों में फर्क क्या है। ध्यान, जैसे कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, बराबर। अब अगर इसको ओटू की अगर जरूरत है तो इसको सिर्फ ओटू को सिर्फ सेल मेम्ब्रेन से अगर अंदर किया तो उसकी बॉडी के अंदर आ गया। CO2 को बाहर करने के लिए सिर्फ सेल मेम्ब्रेन से उसको बाहर करना है, बराबर। और वही अगर हम अपना एग्जाम्पल देते, अपना एग्जाम्पल देखो, कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल लेते, जैसे कि अपने हमारे बॉडी की हर लिविंग सेल को ऑक्सीजन की जरूरत है। यस, हमारे बॉडी की हर लिविंग सेल को ऑक्सीजन की जरूरत है। पर क्या अगर आप पानी में डूबे हुए हो और आप सिर्फ अगर हाथ बाहर कर दोगे तो आपका हाथ भी सेल से बना हुआ है, तो क्या ये सेल ऑक्सीजन को सराउंडिंग से पिकअप कर सकेंगे? Yes, हमारे लंग्स की सेल, लंग्स में भी सिर्फ एल्वोलाई की सेल ही वो स्पेशल सेल्स है जो सराउंडिंग एयर से ऑक्सीजन को ले सकती है, जिसको हम लोग डिवीजन ऑफ लेबर बोलते हैं। Yes? तो वही बात, ऑर्गेनिज्म और सराउंडिंग। अब सराउंडिंग एयर हो सकती है टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म के लिए, और वही एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म की सराउंडिंग वाटर हो सकता है। तो ऑर्गेनिज्म और सराउंडिंग के बीच में जो ऑक्सीजन और CO2 का जो लेन देन होता है वो है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। फिर एक बार वो बॉडी में CO2 ऑक्सीजन अंदर आ गया, फिर उस ऑक्सीजन वो बॉडी में, जैसे कि हमारे बॉडी में वो कहां आ गया, ब्लड में आ गया। तो भी ब्लड से जो सेल को जो अवेलेबल होगा ऑक्सीजन, तो अभी ब्लड में है ऑक्सीजन, तो ब्लड और सेल जो भी टिश्यू को ऑक्सीजन की जरूरत है वो ब्लड से ही लेगी। यस, तो ब्लड और वो सेल के बीच में जो एक्सचेंज होगा इंटरनल, और उस ऑक्सीजन की एक्चुअली में जरूरत क्या है सेल में, तो सेल में जो होगा वो सेलुलर। तो देखो इस चीज के लिए ये और ये होता है, इस चीज के लिए, इस रेस्पिरेशन के लिए ये और ये चीज होती है, बराबर। इसके लिए पूरी करने के लिए दोनों होते हैं, बराबर। तो ये क्या है, ये क्यों होता है सेल में, सेलुलर रेस्पिरेशन इतना का इंपोर्टेंस रोल प्ले करता है, बराबर। तो देखो उसके एक बेसिक एग्जाम्पल, एक बेसिक बात बोलना चाहूंगा, और वो बात है कि Every living cell need energy for each and every activity. Again, I repeat, every living cell need energy for each and every activity. Yes, तो वो energy obviously create तो होगी नहीं, वो energy हमको food से मिलती है। हाँ, तो उसी food को तोड़ के, जो simple food आपकी body में आया है, yes, digestion, absorption, assimilation से, बराबर, उस फूड को तोड़ के उसमें से एनर्जी निकालने वाली जो प्रोसेस है, उस फूड को तोड़ के उसमें से जो एनर्जी निकालने वाली प्रोसेस है, दैट प्रोसेस इज रेस्पिरेशन। उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूं, आप उसको नोट करो, व्हाट इज रेस्पिरेशन। तो इट इज एन इंट्रासेलुलर कैटाबोलिक प्रोसेस। It is an intracellular catabolic process in which respiratory substrate breakdown in stepwise manner and release energy, and this energy immediately convert into metabolic usable form of energy, that means ATP. And this process is called as a respiration.
तो रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है जिसमें कि रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट बोला, तो वो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट ग्लूकोज हो सकता है, यस प्रोटीन मतलब अमीनो एसिड हो सकता है, फैटी एसिड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हम एग्जांपल ग्लूकोज का लेके चलते क्योंकि हमको समझना रेस्पिरेशन है, हम यहां ग्लूकोज का रेस्पिरेशन नहीं समझ रहे, हम रेस्पिरेशन समझ रहे हैं बराबर। तो अमीनो एसिड का भी रेस्पिरेशन होता है, फैटी एसिड का भी रेस्पिरेशन होता है, बट कन्वीनियंट हमने ग्लूकोज का एग्जाम्पल लेके लिया। तो ग्लूकोज को आपने ग्लूकोज को सेल में वो टूटेगा स्टेप वाइज मैनर में, और जब वो टूटेगा तो उसमें से एनर्जी निकलेगी और वो एनर्जी इस एटीपी को प्रिपेयर करेगी और इस एटीपी का यूज करके आपका सेल जो भी नीड है इस एटीपी को यूज करेगी, अंडरस्टैंड। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन। हाँ, अब रेस्पिरेशन की बेसिक दो टाइप है, कौन से, एक ऑक्सीजन के प्रेजेंस में और दूसरा है ऑक्सीजन के अब्सेंस में। तो जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है उसको बोलते हैं एरोबिक, एरोबिक रेस्पिरेशन, और जो ऑक्सीजन के अब्सेंस में होता है उसको बोलते हैं हम अनएरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एरोबिक, और जो ऑक्सीजन के अब्सेंस में होता है उसको क्या बोलते हैं, अनएरोबिक। अगेन इट डिपेंड ऑन ऑर्गेनिज्म कि इट फॉलो एरोबिक और एनोरोबिक। तो हम क्या करते हैं, चलो ऑर्गेनिज्म को भी देखते हैं, हम देखते हैं कि अगर ग्लूकोज, ग्लूकोज के एग्जांपल समझ रहे हैं हम लोग, तो हम देखते हैं कि ग्लूकोज अगर एरोबिकली रेस्पायर हुआ तो क्या होगा, और ग्लूकोज अगर अनएरोबिकली रेस्पायर हुआ तो क्या होगा। Yes, तो हम क्या करते हैं, दोनों साथ में ही समझ लेते हैं कि ग्लूकोज का एरोबिक रेस्पिरेशन होगा तो कैसे होगा और ग्लूकोज का अनएरोबिक रेस्पिरेशन होगा तो कैसा होगा। अगेन हम रेस्पिरेशन कौन सा पढ़ रहे हैं, सेलुलर वाला, सेल में होने वाला रेस्पिरेशन। अगेन इसके नीड के लिए ये सब होते हैं, बेसिक रेस्पिरेशन के लिए बराबर। तो चलो देखते हैं ग्लूकोज का सेलुलर रेस्पिरेशन बोथ एरोबिक एंड एनएरोबिक। चलो ये रहा आपका ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, ठीक है, फॉर्मूला C6H12O6। ठीक है, अब मैं इसके दोनों चीजें देख लेता हूं कि अगर वो एरोबिकली टूट रहा है तो किस तरीके से टूटेगा और एनारोबिकली टूट रहा है तो किस तरीके से टूटेगा। ठीक है, तो एरोबिक और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में और ऑक्सीजन के अब्सेंस में अनएरोबिक। ठीक है, कौन से स्टेप्स होते हैं एरोबिक में, हो रहा है एरोबिक में पहले होगा ग्लाइकोलिसिस, देन एसिटाइलेशन, देन क्रेब्स साइकिल। एसिटाइलेशन नहीं दिया हुआ आपको, आपकी बुक में जस्ट बता रहा हूं, क्रेब्स साइकिल और ईटीएस, ये चार स्टेप्स होती है, ग्लाइकोलिसिस, एसिटाइलेशन, क्रेब्स साइकिल और ईटीएस। ठीक है, उसमें से ग्लाइकोलिसिस जो है सेल के साइटोप्लाज्म में कंप्लीट होती है, साइटोप्लाज्म में, और ये जो तीनों चीज होती है वो होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, ये तीनों स्टेप्स कहां कंप्लीट होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, वो एनारोबिक का देखते हैं, एनारोबिक में क्या क्या हो रहा है, ग्लाइकोलिसिस, फिर हो गया डी कार्बोऑक्सीडेशन। जब ये एक्स्ट्रा है आपको एग्जाम से दिया है, जस्ट फॉर नॉलेज 5 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ने में क्या जा रहा है, ग्लाइकोलिसिस, डी कार्बोऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ठीक है, और ये तीनों स्टेप्स होती है आपकी, आपकी कहां होती है, साइटोप्लाज्म, सेल के साइटोप्लाज्म में, बराबर। मतलब अगर एरोबिक रेस्पिरेशन बोल रहे हो तो माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया और ऑक्सीजन बराबर, और एनारोबिक से साइटोप्लाज्म विदाउट ऑक्सीजन। तो देखो इन दोनों स्टेप से क्या समझ में आ रहा है, दोनों एग्जांपल से क्या समझ में आ रहा है कि ग्लूकोज का एरोबिक रेस्पिरेशन हो या एनारोबिक रेस्पिरेशन हो, ग्लाइकोलिसिस इज कॉमन, ग्लाइकोलिसिस इज कॉमन, मतलब ग्लाइकोलिसिस इज नॉट डिपेंड ऑन ऑक्सीजन। साइटोप्लाज्म तो सभी सेल में होता है दुनिया में बराबर, माइटोकॉन्ड्रिया भले ही हो ना हो, साइटोप्लाज्म तो होता है ना बराबर,
तो ग्लाइकोलाइसिस इज कॉमन थिंग, चाहे ग्लूकोज का एरोबिक रेस्पिरेशन हो या एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक हो या एनएरोबिक हो। तो इतना आप पॉज करके इसको नोट करो, ठीक है। अब आगे बढ़ो, ग्लाइकोलाइसिस में क्या होगा, आपका जो सिक्स कार्बन का जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, ग्लूकोज कितने कार्बन का मॉलिक्यूल है, सिक्स कार्बन का, ठीक है। वो थ्री कार्बन के पाइरूवेट में ब्रेक डाउन होता है, थ्री कार्बन के पाइरूवेट में। तो कितने मॉलिक्यूल, ऑब्वियसली टू मॉलिक्यूल्स, कितने मॉलिक्यूल्स, टू मॉलिक्यूल्स, एक कार्बन का छह कार्बन का, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पाइरूवेट के मॉलिक्यूल। अब ये चीज कॉमन होगी, तो जब ये ग्लूकोज से पाइरूवेट तक ब्रेक डाउन होता है तो उस दौरान टू मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी भी फॉर्म होते हैं, टू मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी भी फॉर्म होते हैं, बराबर, यस ऑर नो, टू मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी फॉर्म होते हैं। हम लोग क्या कहते हैं, रिजल्टेंट देखते हैं, पर एक्चुअली में ऐसा है। अब ये पाइरूवेट है, तो ये दो मॉलिक्यूल ऑफ पाइरूवेट ले लेता हूं मैं, टू मॉलिक्यूल ऑफ पाइरूवेट का ले लेता हूं, अगर इसको ऑक्सीजन मिल, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में और माइटोकॉन्ड्रिया के प्रेजेंस में अगर ये हुआ, यस, तो ये कंप्लीट टूटेगा, 6CO2 प्लस 6H2O प्लस ये दो और 36 ATP, यानी टोटल 38 ATP फॉर्म होंगे। इन दो को इंक्लूड किया मैंने, इन दो को इंक्लूड करके 38, बराबर, यस, 38 ATP फॉर्म होंगे। अगर उसको ऑक्सीजन नहीं मिला तो इससे देखो, अब इस दो मॉलिक्यूल ऑफ पाइरूवेट से क्या बनेंगे, दो मॉलिक्यूल ऑफ इथेनॉल, मतलब इथाइल अल्कोहल, मतलब अल्कोहल कितने कार्बन के, दो कार्बन के, प्लस टू मॉलिक्यूल ऑफ CO2 प्लस एटीपी, कुछ भी नहीं, तो ये सीधे ये वाले दो एटीपी, ठीक है। और अगर एक और तीसरी कंडीशन है, अगर इनसफिशियंट हुआ, अब इनसफिशियंट मतलब कैसा, इनसफिशियंट का एग्जाम्पल बड़ा बढ़िया एग्जाम्पल है, देखो ये अपने बॉडी में होता है, लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन का बोला है, ध्यान दो, अगर इनसफिशिएंट हुआ तो सीधा पाइरूवेट टू मॉलिक्यूल ऑफ लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। लैक्टिक एसिड कितने कार्बन का है, तीन कार्बन का, प्लस एटीपी, ये वाले दो एटीपी ले लो आप, ट्वाइस एटीपी, ठीक है, यस। तो इस तरीके से पाइरूवेट के साथ होगा, अगर ऑक्सीजन मिला तो कंप्लीट टूटेगा, कंप्लीट ऑक्सीडाइज होगी, पूरे कार्बन ऑक्सीडाइज होगी, CO2 बने, यहां पे वैसा नहीं और यहां पे वैसा। अभी लैक्टिक एसिड वाला एग्जांपल बताता हूं कि आपके बॉडी में होता है, हमारे बॉडी में ये वाला मैकेनिज्म होता है और ये अलग होता है। अब ये कैसे होता है, क्योंकि उन्होंने क्या बोला, इनसफिशियंट ऑक्सीजन मिला तो लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है, ठीक है। तो चलो इसके एग्जाम्पल लेते हैं कि आपके बॉडी में सपोज किसी पार्ट में रोज ग्लूकोज के 10 मॉलिक्यूल ब्रेक हो रहे हैं। मैंने क्या बोला, आपके बॉडी में आपका कोई बॉडी का पार्ट है, कोई भी एग्जाम्पल हो, कोई मसल, चलो ये वाली मसल लेता हूं, इस मसल में रोज ग्लूकोज के 10 मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन हो रहे हैं। अब 10 मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन हो रहे तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन कितने लगेंगे, 60, क्योंकि एक मॉलिक्यूल को 6 ऑक्सीजन लगते ना, तो नहीं लिखा गया, चलो ओवरऑल ग्लूकोज की एरोबिक इक्वेशन लिख लेता हूं मैं, C6H12O6 प्लस 6O2 6CO2 प्लस 6H2 प्लस 38 ATP, मतलब ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल को कंप्लीट ऑक्सीडाइज होने के 6 मॉलिक्यूल ग्लूकोज लग रहे। मैंने क्या बोला कि मेरी एक मसल है, कोई भी ये मसल है जिसमें कि रोज एक ऑप्टिमम कंडीशन में ग्लूकोज के 10 मॉलिक्यूल ब्रेकडाउन होते हैं, तो 10 मॉलिक्यूल ग्लूकोज के ब्रेकडाउन हो रहे तो उसको कंप्लीट एरोबिक होने के लिए ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल लगेंगे, 60, यस, ये होगी नॉर्मल कंडीशन। अब आज क्या हो गया, मैंने डंबल्स लिए, एक एग्जांपल, आज डंबल्स लिए मैंने और मस्त मैंने एक्सरसाइज की, मतलब इस जगह पे वर्कआउट ज्यादा किया मैंने। अब वर्कआउट ज्यादा किया तो ऑब्वियसली एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी ज्यादा रहेगी, यस, मतलब एटीपी की रिक्वायरमेंट ज्यादा रहेगी वहां पे, बराबर, जैसे कि वहां पे रोज 380 ATPs बन रहे हैं, अब मैं वहां पे काम कर रहा हूं तो आज एटीपी की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी, एटीपी की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, ग्लूकोज ज्यादा टूटेगा, ग्लूकोज ज्यादा टूटेगा तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज्यादा रहेगी, बराबर। सपोज वहां पे अभी 20 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन टूट रहे हैं, यस, तो आपको ऑक्सीजन की भी रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगी, 120 हो जाएगी, है कि नहीं। तो अब क्या होगा, आपके बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई कौन कर रहा है, ब्लड। अब ब्लड का सर्कुलेशन तो एक नॉर्मल रेट में ही चलेगा, चलो सर्कुलेशन बढ़ा भी तो
ऑक्सीजन बढ़ जाएगा और 30 मॉलिक्यूल्स ऐड हो जाएंगे। तो रिक्वायरमेंट कितनी आपको 120 की, पहले कितने आ रहे थे 60 और 30 बढ़ गए 90, पर फिर भी 30 की डिफिशियंसी है बराबर। तो पर ग्लूकोज तो पाइरुवेट तक ब्रेक डाउन होगा, अब उन सारे पाइरुवेट को तो ऑक्सीजन मिल जाएंगे पर कुछ पाइरुवेट को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, तो वो सीधा रिड्यूस में क्या मिल जाएंगे लैक्टिक एसिड, और फिर यही लैक्टिक एसिड आपके मसल्स में जमा होगा और उस कारण से आपको क्या होंगे क्रैम्स। आपको याद होगा कि आप कोई अगर सपोज पहले दिन रनिंग कर दूसरे दिन आपकी बॉडी अकड़ जाती है, तो अकड़ती क्यों है लैक्टिक एसिड, ठीक है। वैसे लैक्टिक एसिड हमारी बॉडी में रोज ही बनता है, पर आज आपने एक्टिविटी ज्यादा कर दी तो वहां पर लैक्टिक एसिड बहुत ज्यादा बन गया, तो कंज्यूम होने को समय भी ज्यादा लगेगा, जिस कारण से मसल्स क्या हो जाते हैं, मसल्स में क्या जाते हैं क्रैम्प आ जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया लैक्टिक एसिड का एग्जांपल। तो इस तरीके से हमने मतलब अगर ऑक्सीजन मिला तो एरोबिक, नहीं मिला तो एरोबिक, इस तरीके से। तो वैसे ऑर्गेनिज्म अगर एरोबिक है तो एरोबिक रेस्पिरेशन होगा और अनएरोबिक है तो एनएरोबिक होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ग्लूकोज का एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन का हमने ये पूरा टॉपिक समझा। अब इसकी थोड़ा सा आगे की बात भी करते हैं, पर आगे की बात करने से पहले क्या करते हैं, वो जो दो एक्टिविटीज दी हुई है आपको उन एक्टिविटीज से बात कर लेते हैं, ठीक है। तो उन एक्टिविटी में कुछ नहीं, पहली एक्टिविटी में क्या बोला है कि आपने एक टेस्ट ट्यूब ली, दो टेस्ट ट्यूब ली, दोनों में आपने लाइम वाटर लिया, लाइम वाटर मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यस। एक एक टेस्ट ट्यूब में आपने क्या किया, सिरिंज में हवा भरी और डायरेक्ट डाल दिया उसमें, और दूसरे में आपने आपने पाइप से फूक मार दी। तो आपने जिस टेस्ट ट्यूब में आपने फूक मारी उस टेस्ट ट्यूब का जो जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हुआ और वहां पे मिल्की अपीयरेंस आया, यस। अब आपको ये तो पता है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में, जिस कारण से कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म होता है और वो वाटर जो है मिल्की कन्वर्ट हो रहा है। तो जो नॉर्मल हवा है, नॉर्मल हवा में CO2 कंसेंट्रेशन कम है, क्योंकि आपने जो पिचकारी ली है या जो रिसीरिंज ली है उसमें नॉर्मल एयर है, तो उसमें ऑब्वियसली ऑक्सीजन का परसेंट और नाइट्रोजन का परसेंट ज्यादा है, CO2 का परसेंटेज कम है, पर आप जो हवा बाहर कर रहे हो उसमें तो CO2 कंसेंट्रेशन ज्यादा है ना। तो वही बताना है कि आप जो हवा लेते हो वो ऑक्सीजन रिच है और जो हवा जो बाहर कर रहे हो वो कार्बन डाइऑक्साइड रिच है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड आया कहां से, यस। उसके बाद में दूसरी एक्टिविटी में भी उन्होंने क्या किया कि एक शुगर सॉल्यूशन लिया, उसमें ईस्ट डाल दिया, उसको कवर कर दिया और उसमें से हवा जाने को जो एक पाइप बनाया और उस पाइप को अगेन किसमें वो लाइम वाटर में रख दिया और उसमें सीबी की भी उसमें देखो ईस्ट में ये वाली एक्टिविटी होती है, ये वाली CO2 है ना उसमें, वो CO2 क्या करेगा, भले ही कम है CO2 रिलीज हो रहा है बराबर, और वो CO2 क्या करेगा उसको टर्न करेगा, दैट इज वो रेस्पिरेशन, मतलब वो चेंज हो रहा है, वो फर्मेंट हो रहा है, वो बता रहा है कि वो जो सुक्रोज का सोल्यूशन है या ग्लूकोज का सोल्यूशन, व्हाटएवर जिसका भी सोल्यूशन है वो इस तरह से कन्वर्ट हो रहा है, एंड द प्रोसेस इज फर्मेंटेशन। आपके लिए फर्मेंटेशन है और वो ऑर्गेनिज्म रेस्पायर कर रहा है, फर्मेंटेशन और रेस्पिरेशन में फर्क है। अब वो हम लोग अगर मतलब कुछ आगे की क्लास में उसको ज्यादा जानेंगे, 10th में उतना नहीं है, यस। तो दैट्स अबाउट रेस्पिरेशन। और फिर थोड़ा सा और ATP के बारे में बताया गया है कि ऑर्गेनिज्म की नीड के अकॉर्डिंग बताया है, प्लांट और एनिमल में डिफरेंस बताया है और फिर ह्यूमन का दिया हुआ है। तो ह्यूमन का तो हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे, पर ATP के बारे में बात कर लेते हैं और प्लांट्स के बारे में, यस, प्लांट में एक्सटर्नल रेस्पिरेशन मतलब गैस एक्सचेंज के बारे में बात कर लेते हैं और थोड़ा सा जनरलाइज और बात कर लेते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया, ठीक है। चलो ATP के बारे में बात करते हैं। ATP के बारे में देखो, सबसे सभी लोगों ने क्या बोला कि ATP को हम बचपन से किस बारे में जानते हैं, इट इज अ एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। ATP को हम किस नाम से जानते हैं, इट इज अ एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। सेल को जब भी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी तो वो ATP को खर्च करता है, ATP को यूज करता है। और ये ATP कब बनता है, जब रेस्पिरेशन होता है। तो ATP है क्या चीज, सर ATP का फुल फॉर्म जो है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ATP का फुल फॉर्म क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राई, क्योंकि तो एडिनोसिन एक चीज है और तीन फॉस्फेट जुड़े होते हैं उसमें, फॉस्फेट एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अभी एडिनोसिन भी दो चीजों से मिलकर बना हुआ है, एडिनोसिन ये तो तीन फॉस्फेट हो गए, एडिनोसिन तीन चीजों दो चीजों से मिलकर बना हुआ है और वो चीज है एक एडेनाइन
एडेनिन आपका एक नाइट्रोजन बेस है और दूसरी है दैट इज शुगर, राइबोस शुगर, पांच कार्बन की एक शुगर है, ये दोनों के कॉम्बिनेशन से बनता है एडेनोसिन। यस, तो चलो ये आपने ले लिया एडेनोसिन, सपोज ये एडेनोसिन है, इसमें अगर एक फॉस्फेट जुड़ा तो एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, और एक फॉस्फेट जुड़ा एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, और एक फॉस्फेट जुड़ा तो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, बराबर। और ये जो बॉन्ड्स है ये एनर्जी बॉन्ड्स है, सबसे स्टेबल बॉन्ड ये वाला है पहला वाला, और ये थोड़े तो अनस्टेबल, सबसे अनस्टेबल ये है, तो अगर ये टूटा तो इसमें से एनर्जी निकलेगी, और वो एनर्जी दैट इज 30 किलो जूल लिखी हुई है, बराबर। मतलब अगर इसको जोड़ना है, जुड़ा तो ये एडीपी प्लस फॉस्फेट इज इक्वल टू एटीपी, और फिर एटीपी टूटा तो फिर से फॉस्फेट रिलीज हो जाएगा, और जब वो फॉस्फेट रिलीज होगा ये जो बॉन्ड टूटेगा तो एनर्जी रिलीज होगी और वो एनर्जी से यूज कर, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो एटीपी है ये एनर्जी सोर्स है सेल के लिए। अब तुम बोलोगे सर एटीपी क्यों, जब ग्लूकोज टूट रहा है तो वही एनर्जी डायरेक्ट यूज कर लेना चाहिए। चलो इसके लिए एक एग्जांपल, घर में मोबाइल है, ऑब्वियसली ये लेक्चर भी हम लोग मोबाइल पे देखने वाले हैं। सो तो देखो मोबाइल आपका एक इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस है, अब आप क्या करते हो उसको चार्ज करते हो। यस, घर में और भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है जैसे कि पंखा वगैरह, अब पंखे को आप क्या करते हो सीधा उसके दो वायर जो होते हैं सॉकेट में होते हैं, बटन स्टार्ट करते हो चालू करते हैं। अब आपको अगर सपोज तो भी इस मोबाइल को भी चार्ज करना है तो आप क्या करोगे, दो वायर मोबाइल से लोगे और सॉकेट में लगा के चालू कर दोगे, क्या होगा मोबाइल का बूम। यस, बट ऐसा आपके चार्जर में होता नहीं है, क्यों, क्योंकि आपके पास वो चार्जर होता है, वो क्या करता है भले वो इलेक्ट्रिसिटी को 220 वोल्ट पे लेता है, करंट भी ज्यादा होगा पर इस मोबाइल का जो वोल्ट है उसी में वो ट्रांसफर करके देता है। तो वैसे ही सेल को जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट एटीपी से पूरी होती है, बराबर। देखो एनर्जी के तो कितने काइंड है, साउंड एनर्जी, हीट एनर्जी, ये एनर्जी, वो एनर्जी, पर उससे सेल की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती, सेल को जो रिक्वायरमेंट है वो एटीपी पूरी कर दे सकता है। हाँ, ये बता देंगे कि सेल को जब एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है तो नंबर ऑफ एटीपी ज्यादा यूज करता है। यस, वो दूसरा सोर्स नहीं, उसके लिए वही सोर्स है ना। इस तरीके से मोबाइल को चार्ज होने में समय ज्यादा लग जाएगा पर वो चार्ज उसी अपने चार्जर से ही होगा, वो उस पर्टिकुलर वोल्ट पे होगा चार्ज, उस तरीके से सेल की बात है। इसलिए सेल को, सेल का जो एनर्जी सोर्स वो कौन है, एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, बात समझ में आई, ठीक है। फिर आगे भी कुछ एग्जांपल दिए, ठीक है सर, कि ऑर्गेनिज्म का सिंपल है, यूनिसेलुलर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ऑक्सीजन की जरूरत है, एनारोबिक है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पर अगर एरोबिक है और अगर उसमें भी यूनिसेलुलर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये सिर्फ सेल से, सिर्फ सेल मेम्ब्रेन से डिफ्यूज करके ऑक्सीजन अंदर आ जाएगा। पर अगर ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स है हमारे जैसा, या कॉम्प्लेक्स प्लांट, हम भी कॉम्प्लेक्स है, ऐसे कई एनिमल कॉम्प्लेक्स है, प्लांट में भी जो एंजियोस्पर्म वगैरह वो कॉम्प्लेक्स है, तो अब इनको अगर ऑक्सीजन की अपनी नीड पूरी करनी है तो इनके पास क्या है या हमारे पास क्या है, तो हम तो वैसे भी एनिमल वैसे भी कॉम्प्लेक्स है, हायर एनिमल कॉम्प्लेक्स है, तो हमारी बात तो अलग ही है, हम अपनी बात बाद में करेंगे, पहले प्लांट की बात करते हैं, क्योंकि प्लांट में ऑक्सीजन, प्लांट में ऑक्सीजन लगता भी है और रिलीज भी होता है। यस, तो प्लांट के पास वैसे कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं है, जैसे अपने पास एक रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, प्लांट के पास वैसे कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं है, पर फिर भी प्लांट को, प्लांट इज अ एरोबिक ऑर्गेनिज्म एंड इट नीड ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। अब तुम बोलोगे सर प्लांट में फोटोसिंथेसिस होता है, उस दौरान तो ऑक्सीजन रिलीज होता है और वो CO2 बाहर से अंदर लेता है। यस, फिर आप ये क्या बात कर रहे हो, हाँ तो चलो उसी पर हम बात करते हैं। सबसे पहले तो प्लांट के पास कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं है, इसलिए प्लांट ने अपने हर पार्ट के लिए एक लोकल गैस एक्सचेंज रखा हुआ है। यस, और वैसे ही प्लांट में सबसे ज्यादा जो एक्टिव एरिया है वो है लीफ, तो लीफ के पास में क्या है, स्टोमेटा, जहां से वो गैस एक्सचेंज कर लेता है। उसके अलावा स्टेम्स में भी लेंटिकल्स होते हैं, रूट में भी लेंटिकल, जहां से वो अपना गैस एक्सचेंज कर लेते हैं। यस, वो पार्ट सराउंडिंग से टच होता है और वहीं से फिर गैस एक्सचेंज होकर उस पर्टिकुलर एरिया का जो भी रिक्वायरमेंट है, अगर ऑक्सीजन लग रहा है तो बाहर से ऑक्सीजन, अंदर का CO2 बाहर, बराबर। वही अपने बॉडी में एक स्पेसिफिक एंट्री है और एक स्पेसिफिक एग्जिस्ट है, वहां पर हर लोकल एरिया के लिए वहां पे एंट्री है इन द फॉर्म ऑफ लेंटिकल्स या इन द फॉर्म ऑफ स्टोमेटा। एक बात यह हुई, दूसरी बात
गैस इंजन डिपेंड करेगा कि फोटोसिंथेसिस की क्या स्पीड है। जैसे दिन के समय फोटोसिंथेसिस ज्यादा हो रहा है एज कंपेयर टू रेस्पिरेशन, तो ऑब्वियसली फोटोसिंथेसिस अगर ज्यादा हो रहा है तो इट नीड मोर CO2 बराबर एंड इट प्रोड्यूस मोर ऑक्सीजन इन साइड द बॉडी। तो रिजल्टेड एक्सचेंज क्या होगा कि बाहर से CO2, देखो अंदर CO2 जनरेट हो भी रहा है तो वो बाहर भी जाएगा, वो अंदर यूज हो जाएगा, पर फिर भी CO2 ज्यादा चाहिए तो बाहर का CO2 ज्यादा और आएगा। अब दिन के समय रेस्पिरेशन हो रहा है पर ऑक्सीजन अंदर में इतना जनरेट हो रहा है कि जितना यूज हो भी गया फिर भी एक्स्ट्रा जो है वो बाहर जाएगा। इसलिए दिन के समय जो रिजल्टेंट गैस एक्सचेंज है प्लांट का वो क्या है, बाहर से CO2 अंदर आना और अंदर का O2 बाहर जाना। वही अगर मैं रात के समय की बात करूं प्लांट की, तो रात के समय फोटोसिंथेसिस जीरो, मतलब CO2 कंज्यूम हो ही नहीं रहा है, फोटोसिंथेसिस से फूड नहीं बन रहा है, पर CO2 जनरेट हो रहा है अगर सेल रेस्पायर कर दिए तो। ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस नहीं हो, ऑक्सीजन भी नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि वाटर नहीं टूट रहा है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही है। तो रिजल्टेंट गैस एक्सचेंज क्या होगा, CO2 की एंट्री क्रॉस बंद, अंदर जो रेस्पिरेशन से जो CO2 जनरेट हो रहा है वो बाहर जाएगा और ऑक्सीजन तो अंदर प्रोड्यूस होगा तो बाहर का ऑक्सीजन अंदर आएगा। यस, तो रात के समय पेड़ों में CO2 बाहर निकलता है और O2 अंदर जाता है, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि रात के समय पेड़ के नीचे नहीं बैठना। ये कोई भूत भूत वाला कंसेप्ट नहीं है, कंसेप्ट ये है कि वो इतना बड़ा पेड़ है, उसका इतना बड़ा सरफेस एरिया है और उसके इतने सारे लीफ CO2 अगर बाहर कर रहे तो आपके सराउंडिंग में CO2 नहीं छपाएंगे ना बराबर, और वो CO2 से फिर आपको प्रॉब्लम होगा ना, आपको भी तो ऑक्सीजन चाहिए, इसीलिए रात के समय पेड़ के नीचे नहीं बैठना बोलते, नहीं तो भूत दिखता है बोलते। तो भूत कैसे नहीं दिखेगा रे बाबा, क्योंकि अगर आप ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिच अगर हवा लेते हो तो उससे आपको हेलुसिनेशन हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, हेलुसिनेशन हो सकते हैं, इससे आपको भूत दिखेगा। ठीक है, दैट्स अबाउट रेस्पिरेशन, उसके बाद हम आगे के टॉपिक की बात करेंगे। ठीक है, ह्यूमन रेस्पिरेशन लोग नेक्स्ट लेक्चर से देखेंगे। दैट्स ऑल।